हाय, गुड इवनिंग। तो आज कितने बच्चे आए हैं रंगा की शादी में? लेट्स सी। एंड यस, तो अभी बच्चे आ चुके हैं रंगा की शादी में और अभी हम लोग बस स्टार्ट ही कर रहे हैं रंगा की शादी का फंक्शन। तो फिर आपको तो पता ही है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ ये चैप्टर ऐसा है कि आपको मज़े भी इसमें बहुत आने वाले हैं। लिटरली मतलब ऐसा, मतलब एक खतरनाक डेली सोप लगता है ये। तो अभी हम लोग फाइनली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है रंगाज मैरिज और ये लिखा है मस्ती ने। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर को फाइनली करेंगे स्टार्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक्चुअली सुपर रिविजन बैच का पार्ट है। और ये वाली वीडियो के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपके बिजनेस स्टडीज़ की, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की। इसके साथ साथ सेम बैच क्लास 12th के लिए भी चल रहा है, तो इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स तो आप उनको भी बुला सकते हैं। देन वी हैव अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको पता ही है कि अन अकेडमी प्लस इज़ समथिंग जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। एंड आप इसमें मस्त घर से पढ़ सकते हैं, आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं। आपको टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, आपको सिलेबस की कवरेज मिलने वाली है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, PDFs मिलेंगे, मतलब इट्स लॉट मोर। और इसके साथ साथ में कुछ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स में डेली प्रैक्टिस सेशंस भी आते हैं, वीकली मॉक टेस्ट आते हैं, न्यू लाइव क्विज भी आने लगा है। इसके साथ साथ में अगर आप चाहें तो यू कैन कंसिडर टेकिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। इन दैट यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, अ लाइव डाउट सॉल्विंग, यू नो दिस थिंग। आपको ये एक एडवांटेज मिलेगा, वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं इफ दे वांट, एंड स्टडी प्लानर्स और सारे बेनिफिट जो भी प्लस के हैं वो भी। खूब सारे बैचेस आ रहे हैं, अभी 30th नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हर एक स्ट्रीम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो नाउ इज़ द करेक्ट टाइम। टेस्ट सीरीज़ आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी अन अकेडमी पे प्रोवाइडेड हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि कल 22nd है, दैट मीन्स क्रिएटिव कॉर्नर कल से पेएबल हो जाएगा, दैट मीन्स कल परसों से एज इन। और अगर आपको लिटरली प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो नाउ इज़ द गुड टाइम, अभी आप ले लीजिए। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपको। एक तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिल जाएगा और इसके साथ साथ में जो 1st ऑफ दिसंबर से मैं बैचेस चालू करने वाली हूँ, कोर्सेज चालू करने वाली हूँ, और जो नए बैचेस वैसे आने वाले हैं 30th नवंबर से, उनको आप मिस नहीं करेंगे। तो दैट्स अ वेरी या वार्म सजेशन टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट। सो यस, SDC लाइव मेरा कोड है, या SDC18 आप यूज़ कर सकते हैं। SDC लाइव इज़ द कोड फॉर 10% डिस्काउंट। ये आपको प्लस पे, आइकॉनिक पे डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा। तो अभी SDC लाइव याद करते हुए आगे पढ़ते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम लोग जो भी पूरे वीक में पढ़ते हैं उसके लिए एक स्पेशल क्लास मैराथन अरेंज किया गया है, जो कि मेरा, जिसमें जो क्लास है वो आता है शाम को 5 बजे सैटरडे को। तो हर सैटरडे शाम को 5 बजे एक MCQ का एकदम मस्त लेवल का क्विज होता है। तो अगर आप चाहें आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अन अकाडमी पे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डिटेल लेक्चर्स देखना चाहते हैं, या प्लस लेक्चर्स देखना चाहते हैं, आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब आगे बढ़ जाते हैं और लेसन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब आपको तो पता ही है हो रहा है हमारे रंगा का ब्याह, तो इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अभी मुझे लगता है बच्चों की टोली आ रही है, कुछ लोग अभी धीरे धीरे है, अभी होसा हली पहुंचे नहीं है, तो अभी उनका भी हम लोग धीरे धीरे इंतजार करेंगे। ब्याह करने नहीं देंगे जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाते हैं। तो अभी आप लोगों को, सबको मेरे साथ होसा हली आना है, क्योंकि रंगा की शादी है और देखते हैं कि रंगा की शादी होगी कैसे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रंगा। रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है जो कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो विलेज के बाहर जाए और मस्त पढ़ाई करे। नरेटर आपको रंगा के परसेप्शन जो है मैरिज को लेकर, रंगा बोलते हैं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, ये परसेप्शन और पता नहीं क्या क्या पूरा नरेटर आपको समझाएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा, मतलब इतने फनी इंस्टेंसेस यहाँ पे आएंगे, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि क्या खतरनाक प्लानिंग की है यार रंगा की शादी की। मतलब यू यू फील कि आप कोई टीवी सीरीज देख रहे हो लिटरली। तो इसकी समरी हम लोगों के पास यहाँ पे आ चुकी है, तो जो भी बच्चे इसको केवल रिवाइज करने के लिए आए वो समरी देख के बाय बाय कर सकते हैं। और अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर यू नो यू हैव माई हार्ट।
So it all begins with Ranga, the accountant's son. Son comes back to his village, which is Hoshahalli, after 6 months. अकाउंटेंट थे विलेज में और उनका जो बेटा था जिसका नाम था रंगा, वो आते हैं और वो विजिट करते हैं अपने विलेज को वापस से 6 महीने के बाद होशाहली को. ही हैड गॉन टू बैंगलोर टू परस्यू हिज स्टडीज़. वो बैंगलोर गए हुए थे अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए. विच टू मैंशन नॉट मैनी इन द विलेज गेट दिस अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो उन्हें मिली थी. The whole village gets excited to see Ranga, and thus they gather around his home only to see how he would have changed. लोग इतना excited हो जाते हैं रंगा को देख के, मतलब इतना excited तो मैं मेरे award को देखने के लिए भी नहीं हुई थी जो आज ही आया है by the way, और इसकी unboxing हम लोग करने वाले हैं video में बड़े ही जल्दी. तो या इतना excited तो हम award को लेके भी नहीं हुए थे जितना ज़्यादा लोग रंगा को देखने के लिए excited हो गए हैं. By the way, award के लिए thank you. सिर्फ आपकी वजह से ऐसा हुआ है कि An Academy ने हमें award दिया है. सो या मूविंग ऑन. तो अभी यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या रंगा में बदलाव आ गए होंगे. मतलब 6 महीने में कैसे रंगा बदलेगा. होशाहली एक बहुत अच्छी जगह होती है, एंड होशाहली के बारे में हमें नरेटर बताते हैं. वो बताते हैं कि किस तरीके से रंगा की शादी कराना एक टास्क था. मतलब रंगा का बड़ा ही अलग व्यू था, जैसे कि आजकल हम लोगों का सबका होगा. रंगा वॉज लाइक, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं बाद में शादी करूंगा, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, मैं वैसी लड़की से शादी करूंगा, आई वॉन्ट टू वेट एंड दिस एंड दैट. सो ही वॉज प्लानिंग. बट नरेटर के कुछ और प्लान्स थे. नरेटर ने देखा कि उनके लिए रत्ना थोड़ा एक अच्छा फिट हो सकती है. तो नरेटर ने सोचा, यार क्यों ना हम लोग मैं रंगा और रत्ना की शादी करा दूँ. अब बेचारा रत्ना जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में, वो बेचारा फंस गया. और उसको कैसे उसने रत्ना से शादी की खुद से, वो देखना है हमें. नाउ यहाँ पे गांव में एक इंसान था, उनकी 11 ईयर ओल्ड नीस थी, और काफ़ी अच्छी वॉइस में वो गाना गाती थी, वीणा बजाती थी एंड हारमोनियम प्ले करती थी. नरेटर ने देखा कि भाई किस तरीके से दोनों की शादी बहुत अच्छा एक मोड़ ले सकती है, कैसे इन दोनों की शादी कराई जाए. तो नरेटर ने विलेज के शास्त्री को मैनिपुलेट कर दिया. जो विलेज का एस्ट्रोलॉजर था उसे मैनिपुलेट कर दिया और उसे बोला कि तुम्हें रंगा के मन की बात निकलवानी है. रंगा ने जब पहली बार रत्ना को देखा था, ये डिटेल जो है ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि देखो आप शादी में आए हो, आप सिर्फ डायरेक्ट खाना नहीं खा सकते आप, है ना, आपको थोड़ा तो कुछ तो फंक्शन देखना ही पड़ेगा. तो अभी यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको रंगा के मन से ये बात निकलवानी है कि वो रत्ना से शादी करेगा. उन्होंने मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करने में इतने में ही उनके मुंह से वो बात निकल गई. ही वॉज लाइक, यार आई वॉन्ट टू मैरी रत्ना. एंड फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है. और उसके बाद में सारी मतलब बड़ी खुशी और एकदम खुशी से उनकी शादी होती है. एंड फाइनली उनका एक 3 साल का बच्चा होता है. और नरेटर लास्ट में ये बताते हैं कि उनके 3 साल के बच्चे का नाम है श्यामा, जो कि एक्चुअली नरेटर का नाम था. और वो उनके बर्थडे पार्टी पे खाना खाने जाते हैं. सो इतना सा ही लेसन है, पर इतना सा ही नहीं है, इसमें लिटरली बड़े फनी इंस्टेंसेस हैं. यू विल लिटरली एंजॉय दिस सेशन थरली. तो फटाफट से इसके एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं. रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज. ब्रीड रंगा जो कि अकाउंटेंट के सन है, वो बोलते हैं कि सबसे रेयर ब्रीड है पूरे विलेज फोक की. क्यों? क्योंकि वो सिटी जाते हैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर द क्राउड मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट. जैसे ही वो वापस आते हैं तो क्राउड इकट्ठी हो जाती है उनके हाउस के पास में, ये देखने के लिए कि वो बदले हैं या नहीं. हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे. So, when you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know.
I could have used some other mouth filling one like Jagannath Vibha or Girija Kalyana. But then it is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage. Arre, apne Ranga ki shaadi hai. And hence, no fancy title. इसीलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं होगा, रंगा की शादी, रंगा का ब्याह. होशाहली इज आवर विलेज. यू मस्ट हैव नॉट हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी. इट्स नॉट योर फॉल्ट. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. होशाहली को जानते हो? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है. क्योंकि वो जो साहिब्स हैं इंग्लैंड में जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, उन लोगों को लगता ही नहीं है कि ऐसी प्लेस एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो मेंशन ही नहीं करते. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे खुद के लोग उसके बारे में भूल जाते हैं. यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. बोला, आपको तो पता ही है कि वो कैसे हैं. हमारे खुद के लोग भेड़ जाल में चलते हैं. जहाँ पे जो लोग पूरी दुनिया जा रही है, बस वहीं चलेंगे. One sheep walks into a pit and the rest blindly follow. एक कुएं में जाता है तो बाकी सारे लोग भी उसके साथ कुएं में चले जाते हैं. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. बोला, अरे यार, अगर साहिब भूल गए, हमारे खुद के ज्योग्राफर्स भूल गए, तो बेचारे कार्टोग्राफर की क्या गलती है? उसने मैप पे नहीं डाला तो उसकी क्या गलती है? आपको अगर मैप पे होशाहली नहीं मिलता है तो अभी बेचारे कार्टोग्राफर को आपको ब्लेम नहीं करना है. हमारे विलेज की शैडो भी नहीं है किसी भी मैप पे, ऐसा नरेटर बोलते हैं. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. बोला, यार, रियली सॉरी, मैं रंगा की शादी के बारे में बात कर रहा था और कहाँ मैं होशाहली पहुँच गया. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा वॉट द स्वीट कारी गा दाबू इज टू अ फेस्टिव मील, देन होशाहली इज टू मैसूर स्टेट वॉट द फीलिंग इज टू कारी गा बादू दाबू. सो बेसिकली उन्होंने बोला कि जैसे होशाहली मैसूर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे होशाहली मैसूर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसा ही है जैसे कि कारी गा दाबू में फीलिंग इम्पॉर्टेंट है. गुजिया होती है ना, गुजिया, उस गुजिया के अंदर की फीलिंग, बिना फीलिंग की कोई गुजिया खाता है क्या? नहीं ना. तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारा होशाहली मैसूर के लिए इम्पॉर्टेंट है. What I've said is absolutely true, believe me. बोला, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट करो. I will not object to your question, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of होशाहली. बोला कि मैं होशाहली के बारे में जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए या जो भी, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो होशाहली के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बोलता है. हर कोई बोलता है. आपको पता है, वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस. हमारे यहाँ पे, हमारे घर में, हमारे गांव में एक डॉक्टर है और डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्टा. डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्टा. ही अग्रीज विथ मी. और बोला, गुंडा भट्टा भी अग्री करता है. ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस. वो इधर उधर गया हुआ है, उसको काफी ज्यादा नॉलेज है. नो, नॉट इंग्लैंड. इंग्लैंड नहीं गया है. इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अन्ना, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. उस टाइम पे आपको पता है ब्रिटिशर्स का थोड़ा ज़्यादा था, तो लोग क्रेजी थे इंग्लैंड जाने के लिए भी. तो इट्स लाइक कि बहुत प्लेसेस पे गए हैं गुंडा भट्टा जी, बट इंग्लैंड नहीं गए हैं. और जब भी कोई उनसे पूछता है, अरे भैया इंग्लैंड गए हो क्या, तो बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, आपके लिए छोड़ रखा है, आप जाके आ जाओ. दैट वे आपके लिए छोड़ रखा है, आप जाके आ जाओ. सो रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी. जब उनसे ऐसा बोला जाता है, क्यों क्यों नहीं गए इंग्लैंड, बोला, इस तरीके से जंगली कुत्ते की जैसे इधर उधर घूमना मेरे बस की बात नहीं है. मैं दूसरी काफ़ी जगह गया हूँ. और फिर नरेटर बोलते हैं, हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, गुंडा भट्टा जी काफ़ी जगह पे घूम के आए हैं और उन्हें भी यही लगता है कि होशाहली बेस्ट है. आपको कैसा लग रहा है होशाहली, अभी पता चलेगा. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज. तो इनके विलेज में कुछ मैंगो ट्रीज है. Come visit us.
I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it. Just take a bite. Do not eat it. Just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahmandra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. Oh my God, that's yummy. Chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that, you know, we can't speak of it. तो बोला कि अगर आप यहाँ के मैंगोज की बात करो ना, इतने अमेजिंग है, खाना नहीं है, सिर्फ एक बाइट लेनी है. जैसे एक बाइट लोगे उसका टेस्ट एकदम से ब्रेन को स्ट्रिक करेगा. यू बी लाइक, अरे क्या खा लिया मैंने. बोला एक बार मैं घर पे लेके गया था और चटनी बनाई थी उसकी और सब लोगों ने खाई और इसके बाद में हमें जो खांसी हुई, अरे अगर ये खांसी अभी के टाइम हुई होती है तो बाय गॉड इसको सबसे पहले अंदर ले जाया जाता है कि चलिए भाई आप अंदर चलिए, आप कोरोना पेशेंट हैं. बट नहीं, उन्हें जो खांसी हुई खतरनाक थी. इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. बोला कि जब मैं गया था मेडिसिन लेने के लिए तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि अरे वो स्पेशल क्वालिटी फ्रूट है, उसके डेफिनेटली आपको यू नो खतरनाक उसका टेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है, वो इतना ज़्यादा खट्टा है कि गला बैठ जाता है उससे. नाउ हियर यूज एज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सारनेस. इन संस्कृत ब्राह्मंद्रा मीन्स द होल ऑफ ब्राह्मण. इट इज़ अ ड्वेलिंग हाउस ऑफ ह्यूमन सोल. सो अभी यहाँ पे वो इधर उधर की आपको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो बोलते हैं ओहो यहाँ पे आपका यू नो ब्राह्मंद्रा है. सो इज लाइक दैट, जस्ट एज द मैंगो स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. बोला जैसे मैंगो स्पेशल है ना, वैसे ही बाकी सारी चीज़ें भी है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड. बोला विलेज के पॉन्ड में हमारे पास क्रीपर भी है जो कि ग्रो कर रही है. इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बी होल्ड. अगर आप उसके फ्लावर्स देखोगे यू विल गो मैड. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल हैव टू वरी अबाउट नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. बोला नहाने जाओ ना पॉन्ड में तो दो क्रीपर के पत्ते लेके आ जाना और फिर तुमको ये चिंता नहीं रहेगी कि तुम आफ्टरनून का खाना कहाँ पे खाओगे. नहीं एक मिनट, ये वही पॉन्ड है जिसमें हम नहाए अभी अभी. सो ही इज मेकिंग लिटरली एवरीथिंग सो ह्यूमरस. ही इज लाइक जब नहाने जाओ तो वहाँ पे जो क्रीपर है उस क्रीपर में से दो पत्ते तोड़ के लेके आ जाना और आफ्टरनून में एकदम मस्त तरीके से खाना खाना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. बोला कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप बट इनफ. बोला अरे ठीक है, जब भी मेरे विलेज की बात आती है मैं ऐसे ही रैम्बल करने लग जाता हूँ, बट ठीक है रहने दो. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosha Ali is and what things are like here. आप में से किसी को Hosha Ali visit करना हो तो इनको बता देना, ये आपको बता देंगे कि Hosha Ali में क्या है क्या नहीं है. That way, the best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? अगर किसी place को जानना चाहते हो तो उसको जाके वहाँ पे घूम के आओ. घूम के आओगे तभी तो जानोगे कि वो place कैसी है. What I'm going to tell you is something that happened 10 years ago. अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 साल पहले हुआ था. We did not have many people who knew English then. हमारे इतना गांव में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो English जानते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे village का accountant पहला इंसान था जिसमें इतना दम था कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेजे, Bangalore भेजे पढ़ाई करने के लिए. इट्स डिफरेंट नाउ, अब चीज़ें डिफरेंट हैं. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है. ड्यूरिंग दी हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. बोला अगर आप हॉलीडे पे जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इंग्लिश बोलते हुए. बट ऑथर ने ऐसा ही क्यों बोला कि ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते होंगे और हॉलीडेज में वो वापस रिटर्न करते होंगे अपने घर में, और जब वो अपने घर आते होंगे तो ऑब्वियसली उन्हें इंग्लिश बोल, वो क्योंकि बाहर से पढ़ के आए तो इंग्लिश तो बोलेंगे. दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़. तो बोला कि उन दिनों में हम लोग कभी इंग्लिश में बात नहीं करते थे और जब भी हम कन्नड़ में बात करते थे तो बीच में बिल्कुल इंग्लिश नहीं लाते थे.
What has happened is disgraceful, believe me. जो हुआ है वो काफ़ी disgraceful है. The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. अभी यहाँ पे कुछ दूसरे एक दिन वो रामा राव के घर पे थे और वहाँ पे वो एक बंडल लेके आए फायरवुड का. How much? I'm sorry. Rama Rao's son came out to pay for it. अब रामा राव का बेटा बाहर आया उसको पे करने के लिए. He asked the woman, How much should I give you? उन्होंने पूछा कितने पैसे हुए आपके. 4 pies, she said. 4. आने that way. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. अब उन्होंने बोला कि मेरे पास change नहीं है. क्या आप next morning आ जाओगे? The poor woman did not understand the English word change. अब उस बेचारी को ये समझ में नहीं आया कि change का मतलब क्या है. और इसीलिए जब उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए ऐसे बोलते बोलते, दया भाभी है ना अपनी, ऐसे बोलते 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 चली गई वहाँ से. क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि चेंज क्या है, उन्हें लगा कि इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो दो गालियाँ निकाल के चली गई वहाँ से. चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, खुद से ही बात करते हुए चली गई. आई टू डिड नॉट नो, और इनको हमारे नरेटर को भी नहीं पता था कि चेंज का क्या मतलब होता है. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन. वो रंगा के घर जब गए थे और उन्होंने पूछा था कि अरे ये चेंज क्या होता है, तुम उसको क्या बोल रहे थे, तब उन्हें पता चला कि अच्छा छुट्टे पैसे. तो अभी उनको ये बाद में पता चला था. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. बोला ये जो priceless commodity है English, ये एक decade पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे village में. That was why Ranga's homecoming was a great event. इसीलिए रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा event था, क्योंकि जब रंगा बाहर गया था तब इतना लोग English को नहीं जानते थे. People rushed to his doorstep announcing, the accountant son has come, the accountant son has come. लोग इतना ज़्यादा बावले हो गए थे, people were like, अरे accountant जी का बेटा आ गया, accountant जी का बेटा आ गया. They were like के oh my god, अभी तो you know accountant जो है उनका बेटा आ चुका है यहाँ पे और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या changes आए हैं, वो बाहर से पढ़ के आया है. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. Come, Ranga is here. Let's go and have a look. लोग अलग 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 तरीके से बातें कर रहे थे और सब लोगों को रंगा को देखना था. अरे वो बच्चा है ना जो बैंगलोर गया था, वो आ गया है. अरे रंगा है ना, रंगा वो आ गया है, चलो रंगा को देखने चलते हैं. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, Why have all these people come? There's no performing monkey here. अब अट्रैक्ट होके इतने क्राउड से ये भी गए. इन्होंने बोला यार इतना क्राउड क्यों आया है, यहाँ पे कोई नाचने वाला बंदर आया है क्या. अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट. अब बताएं आपको, जब बातें होती है तो हर तरीके की बातें होती है, तो कुछ लोगों को लगा कि रंगा कुछ इतने जगह पे गया है तो यू नो बाहर गया है तो डेफिनेटली अब तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर वही संस्कार और वही सारी चीज़ें होंगी. इतने सारे लोगों को बाहर देख के रंगा बेचारा आया. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपनी स्माइल एकदम स्माइल करते हुए आया. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. By chance, अगर हम लोग सब अंदर चले जाते तो वो black hole of Calcutta लगता, इतना ज़्यादा भर जाता, इतना ज़्यादा भर जाता, क्योंकि इतने सारे लोग रंगा को देखने आए थे. Thank God it did not. Thank God हम लोग अंदर नहीं गए. Everyone was surprised to see that Ranga was as same as he had been 6 months old when he had first left our village. अब जैसे ही सब लोगों ने देखा, पीपल वर लाइक कि ओ हो रंगा तो वैसे का वैसा है जैसा 6 महीने पहले था. ऑब्वियसली 6 महीने में रंगा थोड़ी बदल जाएगा, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि 6 महीने में रंगा चेंज हो जाएगा, बट रंगा तो वैसा का वैसा था. एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हर चेस्ट, एक ओल्ड लेडी ने उनके चेस्ट पे हाथ लगाया और उनकी आंखों में देखा और बोला, द जनेवरा इज स्टिल देयर, ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट. मतलब लोगों को ये लगा कि 6 महीने पता नहीं रंगा कहाँ तो ऐसा रह के आया होगा
कि वो अपनी कास्ट और ये और वो सब भूल जाएगा, पर जैसे ही उन्होंने उसके चेस्ट पे हाथ लगाया उनको फील हुआ कि जनेऊ जो होती है, जनेऊ पहनते पहनते हम ब्राह्मण्स में भी पहनते हैं, तो जनेऊ उन्होंने पहनी हुई थी और बोला जनेवरा अभी भी वहां पे है, इसकी कास्ट नहीं गई है, दैट मीन्स बच्चा संस्कारी तो है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, और वो वहां से चली गई और रंगा हंसने लग गया। रंगा वाज लाइक यार मेरे क्या भाई, मैं कोई कहीं से थोड़ी आया हूँ, मैं बंदर थोड़ी बन के आया हूँ, 6 महीने तो हुए हैं मुझे। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स एंड लेग्स एंड आईज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ। बोला जैसे उन्हें ये पता चला कि रंगा के वही दो हाथ हैं, लेग्स हैं, आईज हैं, नोज है, क्राउड को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्राउड को कोई मसाला नहीं मिला, क्राउड चली गई, मतलब क्राउड धीरे 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 मेल्ट होते गई, जैसे कि एक छोटे बच्चे ने ए चीनी मिनी खा ली हो, शुगर शुगर खा लियो, एकदम ऐसा एकदम मेल्ट हो जाता है ना वो मुंह में ऐसा। तो बोला कि सब लोग यहाँ से चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि रंगा वे कुछ भी चेंज नहीं आया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू। अब जैसे ही यू नो वो वहीं पे खड़े रहे, जब सब लोग चले गए थे, तो उन्होंने बोला रंगप्पा आप कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन दी रंगा नोटिस्ड मी, उसी वक्त रंगा ने उन्हें नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। अब जैसे ही रंगा ने नोटिस किया कि वहाँ पे वो आए हुए थे, तो उसने नमस्ते किया और बोला कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एक आपके आशीर्वाद से। ओके सो दैट वॉज समथिंग रियली डिफरेंट, और लोगों को पता था कि मतलब बाहर जाने से शायद वो चेंज हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, नरेटर बोलते हैं, मैं रंगा के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन राइट एंड राइटली असेस पीपल्स वर्ड। वो एक ऐसा इंसान था जिसको पता है कि किससे कब क्या बात करनी है और लोगों की वर्थ भी पहचानता है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हैंड अप टूवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जॉकिंग हिज बॉडी इफ एज इफ इट्स आइदर अ वॉन्ड और वॉकिंग स्टिक। तो बोला कि अभी आजकल के जैसे लोगों के लिए नहीं किया, ही बेंट लो टू टच माई फीट। तो अभी ये बोला कि आजकल जैसे बच्चे होते हैं नमस्ते ऐसे करके चले जाते हैं ना, बॉन्ड ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया उसने। इनफैक्ट उसने अपने हैंड्स तो फोल्ड किए ही, वो नीचे झुका और उन्होंने उनके पाँव भी छुए, एंड ही वॉज लाइक वो उनको प्रणाम कर रहा था। एंड दैट मोमेंट उन्होंने बोला मे यू गेट मैरिड सून, बोला तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, थोड़े सी बातचीत करके और थोड़ा मसाला लेके नरेटर भी वहाँ से चले गए। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. Pro tip: कभी भी किसी पास वाले अंकल के घर पे oranges लेके मत जाना, ऐसा हो सकता है। A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. बेचारा सिर्फ orange लेके गया था, और मिला क्या उसको? एक thought. और thought क्या था? कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा होगा अगर ये शादी कर ले, ये सेटल डाउन हो जाए और सोसाइटी को सर्व करे। इसीलिए कह रही हूँ किसी के घर ऑरेंज लेके मत जाना। फॉर अ वायल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट एंड देन आई केम टू द पॉइंट। फॉर अ वायल अंकल भी सोच रहे होंगे क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, फिर वो फाइनली पॉइंट पे आए। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम शादी कब करना चाहते हो? I am not going to get married now, he said. Why not? I need to find the right girl. बोला मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मुझे एक सही लड़की चाहिए, इसीलिए। तो जब मुझे अच्छी लड़की मिलेगी तभी करूँगा। I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged to the play Shakuntala, and there is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. Is there? What would have happened to Kalidas's play? If one gets married, it should be to the right girl.
a girl who's mature. Otherwise, one should remain bachelor. That's why I'm not marrying now. Ranga ने बोला, अभी मैंने एक ऑफिसर से बात की, वो ऑफिसर 30 साल का है और उसकी वाइफ 25 साल की है. दोनों आपस में अच्छे से बात करते हैं. अगर मैं किसी यंग लड़की से बात कर लूंगा तो अगर उसे डांटूंगा भी तो हो सकता है उसे प्यार लगे, और अगर प्यार करूंगा तो हो सकता है उसे डांट लगे. अगर आप देखोगे तो अच्छी अच्छी लव स्टोरी जैसे कि शकुंतला वाली या कालिदास वाली, वो इतनी अच्छी बनती नहीं अगर मैच्योर नहीं होती. इसीलिए मैं तो ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा जो मैच्योर होगी, नहीं तो मैं कुंवारा ही ठीक हूँ, इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा. रंगा के थॉट से अंकल को बड़ा चोट पहुंचा. अंकल वॉज लाइक, क्या करूँ यार, बच्चा हाथ से निकल गया. दैट वे तो अंकल को तो बस शादी करानी थी. अंकल चाहते थे बस बच्चे की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए. अंकल को कोई मतलब नहीं था बच्चा क्या सोच रहा है. इज देयर एनी अदर रीजन? कुछ और रीजन तो नहीं है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, सो और सो यंग दैट शी डजंट नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. One a neem fruit and other a bitter gram. Exactly, Ranga said, laughing. तो अभी यहाँ पे बोला, is there any other reason? ऐसा होता है, like when you are saying no, no, I won't get married, parents and other people, especially the uncles, will be like, कोई और reason है क्या? इसके बाद में बोला कि एक इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जो admire, जिसको वो admire करता हो. अभी तो सब कुछ सिर्फ arranged marriage से हो जाता है. आप किसी एक ऐसी लड़की को एडमायर कैसे कर सकते हो जो इतनी छोटी है कि उसका दूध के भी स्टेन्स लगे हुए हैं? सोचो, इतनी ज्यादा छोटी, उससे कैसे शादी कर सकते हैं? ये उस टाइम की बात है जब चाइल्ड मैरिजेस होती थी, है ना. तो बोला कि कैसे चलेगा, एक इंसान इतना ज्यादा मैच्योर और एक इतना ज्यादा इमेच्योर. और इतने में रंगा लाफ करने लग गया, वो हंसने लग गया. बोला एग्जैक्टली, आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. अभी ऑथर को बड़ा बुरा लग रहा है. ऑथर इज लाइक, यार मैंने जो सोचा था कि ये इंसान एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, ये तो कुंवारा ही रहना चाहता है, अब क्या करूँ. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. थोड़ा सा बात करने के बाद रंगा ने बोला, यार अभी मैं चलता हूँ, इससे पहले कि वो मेरी शादी करवाई दे और बोले चलो मंडप में. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. अंकल को पंचायत है. अंकल वॉज लाइक, मैं इसकी शादी कराऊंगा, मैं कराऊंगा इसकी शादी, क्योंकि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी शादी होनी चाहिए. तो प्रो टिप, अच्छा भी नहीं बनना इतना. तो प्रो टिप ये है कि इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि आप ऑरेंजेस लेके जाओ किसी के घर और अंकल बोले इसकी शादी तो मैं ही कराऊंगा. रमा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. He was from a big town. She was from a big town, so she knew how to play the veena and harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most beautiful suitable bride for him. Lo ji, uncle ne decide bhi kar liya. Abhi uncle ko ek ladki mili hai jiska naam hai Ratna, jo ki paas mein ek Rama Rao hai, unki niece hai aur unke parents ki death ho gayi hai, to abhi Rama Rao ke sath wo reh rahi hai. Aur Rama Rao aur Ratna, Ranga wala Rama Rao nahi hai by the way. तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है एंड उनको देखते ही उन्होंने देखा, वाह यार इसे वीणा आता है, हारमोनियम आता है, ये तो रंगा के लिए बेस्ट चॉइस है, बेस्ट ब्राइड बनेगी और ये रंगा को लिटरली बहुत हैप्पी रखने वाली है, बहुत अच्छी ब्राइड है. सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव्स प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी. और क्योंकि वो बार बार रमा राव के घर पे जाया करते थे, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई उनके साथ, काफ़ी ज़्यादा फ्री उनको फील होने लग गया. शी वॉज लाइक कि ठीक है, मैं तो जानती हूँ उन्हें. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम वॉज रत्ना. उनका नाम था रत्ना. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा रावज वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट. अभी यहीं से अंकल की प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है. अंकल क्या हुआ, रमा राव के घर पे गए और रमा राव की वाइफ को उन्होंने बोला कि मैं कुछ आपके लिए बटर मिल्क भेजना चाहता हूँ, तो एक काम करो, आप रत्ना को भेज दो और रत्ना आके लेके चली जाएगी. तो आप रत्ना को भेज देना. वाओ, अभी वो रत्ना को बुला रहे हैं अपने घर पे. रत्ना केम. इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी. I told her to sit in my room and requested her to sing a song.
सब कुछ प्लान्ड है, माया जाल। रत्ना रत्ना आई और फ्राइडे था इसीलिए उन्होंने एक अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने बोला कि प्लीज़ रूम में बैठ जाओ और एक गाना सुना दो मुझे। ठीक है भाई, आई सेंट फॉर रंगा। और उसी टाइम पे उन्होंने रंगा के लिए बुलावा भेज दिया कि रंगा को बुला के लाओ। व्हाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। जैसे वो गाना गा रही थी, रंगा डोर के पास आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशहोल्ड, वो एकदम चौखट पे रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग्स टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। ऐसा लग रहा था कि रंगा सिंगिंग को रुकवाने नहीं देना चाहता है, रंगा ये जानना चाहता है कि गा कौन रहा है। केयरफुली ही पीप दे, उन्होंने पीप करके देखो यार कौन है, पर देखूँ तो सही कि कौन गा रहा है। ओके, सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हु द सिंगर वॉज। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रंगा लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर बाय अब्रप्टली, रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर अब्रप्टली स्टॉप्ड। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हुई और जब वो आ रहे थे, वो चौखट पे खड़े थे, तो लाइट एकदम से वहाँ पे ब्लॉक हो गई थी। और ये देख के रत्ना को लगा कि कोई स्ट्रेंजर आ गया और वो भी रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप वेस्ट नहीं करना देना चाहते उस बेस्ट क्वालिटी मैंगो को, और आप उसको एकदम अच्छे से खाना चाहते हो, आप पूरा टाइम एकदम उसमें, एक रियल फूडी इसको जाने का पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपके हाथ से वो फ्रूट गिर जाता है, सैड नोट, कितना बुरा फील होगा आपको। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। सेम डिसअपॉइंटमेंट रंगा के फेस पे दिख रही थी जब सिंगिंग रुक गई, क्योंकि रंगा और सुनना चाहता था। एंड रंगा वॉज हाइडिंग इट, वॉज लाइक यू सेंट फॉर मी, बोला आपने मुझे, मेरे लिए बुलावा भेजा था। ही आस्ट एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। रंगा रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर। रंगा रैपिडली ग्लैंस्ड एट हर। तो बोला आपने मेरे लिए बुलावा भेजा था। अरे भाई नरेटर इधर है, नरेटर इज हियर, रत्ना इज देयर, ही वॉज कमिंग एंड ही वॉज लाइक आपने मेरे लिए बुलावा भेजा था। हाँ हाँ भेजा था, बिल्कुल भेजा था, बट मैं इधर हूँ, नॉट हियर। So he was repetitively, constantly, he was looking at Ratna. And Ratna दूर खड़ी हुई थी एकदम सर को यूं झुका के। Once our eyes met and he looked very embarrassed. और narrator उन्हें देख रहे थे, बोला अच्छा बेटा। और एक बड़ा embarrassing eye contact उनके बीच में हुआ and he was like, उनको इतनी शर्म आ गई, he was like, यार इन्होंने मुझे देख लिया, रत्ना को देखते हुए। No one spoke for a long while. इतनी शर्मिंदगी उन्हें फील हो गई कि उन्होंने थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला एट ऑल। तो अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पार्क स्टार्ट हुआ ही है, सारी चीज़ें अभी अच्छे से चली रही है। एंड फाइनली रंगा को लग रहा है कि उनको कोई तो ऐसा मिला है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते थे। एंड अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें ऐसा मिला है कि कोई उन्हें ऐसा मिला है जिसको वो देख सकते हैं इस तरीके से, तो वाह यार रंगा के थॉट्स ही चेंज हो रहे हैं। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टेप द सिंगिंग, लेट मी लीव। वर्ड्स मेयर वर्ड्स दैट फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट वॉन्ट डिड नॉट मेक अ मूव। बोला अरे अरे, बोला कि मेरे आने की वजह से सिंगिंग रुक गई, मैं चला जाता हूँ। अभी नरेटर बोला अरे सिर्फ वर्ड्स हैं, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिंगिंग रुके, बोल रहा था मैं चला जाता हूँ, तो फिर मैं चला ही जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मतलब वो चला जाता हूँ, बट वो खिसके भी नहीं, इतना सा भी वो शिफ्ट नहीं हुए। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन दीज डेज, इन दीज डेज ऑफ कलियुग। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। अब ऑब्वियसली इस कलियुग में आप बोलते कुछ हो और फील कुछ करते हो। रत्ना वहाँ से शर्मा के अंदर भाग गई। रंगा कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे थे तो मेरी वजह से सिंगिंग रुक गई, तो अब मैं जाऊँ। अब मैं चला ही जाता हूँ, अब तो मैं पक्का गया। He was not leaving, वो वही रुकना चाहते थे। He wanted to glance at Ratna, he wanted her to sing further,
सो या वो यही करना चाहते थे ना. आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी. अब ऑब्वियसली मन में लड्डू फूटा. सो ही वॉज लाइक वो लड़की कौन है, हु इज दैट इनसाइड, कौन है वो. द लायन वॉन्टेड टू नो द ही गो गॉड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम, आई एम अ पुअर एनिमल who has already eaten 9 lions, I have vowed to eat one more, tell me are you male or female. So the lion fled the place in fear, it seems like the he goat. I said, what does it matter to either of us who she is. भाई ये तो वही बात हो गई कि goat lion से पूछ रहा है कि अंदर कौन है, मैंने already 9 lion खा लिए हैं, अंदर कौन है और मुझे बता दो. ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई, काफ़ी आयरॉनिक बात उन्होंने कर दी. वैसे ही उन्होंने भी पूछा, बोला क्या फ़र्क पड़ता है भाई हम दोनों में से, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, हम दोनों में से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट मैरिंग काइंड. तो बोला मेरी शादी हो चुकी और तुमको शादी करनी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है. रंगा वॉज लाइक क्या बोल दिया यार. ही वॉज लाइक दैट. तो बोला यार ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड, बहुत एम्बेरस फील कर रहे थे वो. एंड ही वॉज लाइक कि यार सही बात कह रहे हैं चाचा कि मेरी तो हो गई है और तुमको करनी नहीं है, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है. वेरी होपफुली शी आस्क्ड शी इजंट मैरिड देन. तो बोला अच्छा आप शादी की बात कर रहे हो, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है. हीज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, but I knew it was there. He was very excited. He wanted to know कि रत्ना की शादी हुई कि नहीं हुई. तो बोला आपके अकॉर्डिंग रत्ना की शादी नहीं हुई है क्या. She was married a year ago. His face shriveled like a roasted brinjal. एकदम जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं वैसे उसका फेस हो गया था जब नरेटर ने रंगा को बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई. Poor Ranga, truly poor Ranga. After a while, Ranga left saying, I must go, I have work at home. Ranga was sad. Dil pe baat chubhi thi uske na, dil mein dard hua tha uske, hurt ho gaya tha wo bahut. He was like, main ghar ja raha hu, mere paas kaam hai. I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I'll come later. Yahan pe hamare chacha bhi purane nahi hai. चाचा गए शास्त्री जी के पास और बोला सब कुछ तैयार रखना, मैं कल आने वाला हूँ यू नो किसी को लेके स्टार्स रीड करने के लिए. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून. अभी इस तरीके से तो रंगा के मुँह से चीज़ निकलवाई नहीं जा सकती थी. ऑब्वियसली इनको ये चाहिए था कि रंगा खुद बोले, यू नो वो प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे रंगा को. आई लॉस्ट या सो वो अभी फिलहाल रंगा में कोई चेंज नहीं है. बट यहाँ पे हमारे नरेटर क्या बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट. आई सेड नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर. बोलो क्या हो गया, तुम्हारा फेस ऐसे उतरा उतरा सा कैसे है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेडेक वेडेक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. बोलो नहीं 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 कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल फाइन, एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर, यू नो आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ. बोला नहीं नहीं मुझे कोई हेडेक नहीं है, मैं एकदम सीख हूँ वैसा ही जैसे हमेशा रहता हूँ. आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, but I don't think that could be a reason for your present condition. bola main tumhe ek raaz ki baat batau, jab mere liye ladki select kari ja rahi thi to mujhe bhi aisa hi hua tha, mere ko bhi aisa hi feeling ho raha tha, but I'm sure tumhare sath to aisa nahi ho raha hoga na kyunki tumhe to shaadi hi nahi karni. ranga stared at me, come let's go and see shastri, I suggested. ranga ne aise dekha, ranga was like kya bol rahe ho. बोला चलो मेरे साथ शास्त्री को देखने चलते हैं, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट. हम लोग वहाँ जाके देखेंगे कि भाई गुरु और शनि की क्या दशा है तुम पे, और देखेंगे कि भाई तुम्हारी शादी का क्या सीन है. रंगा अकंपनीड हिम विदाउट एनी प्रोटेस्ट. मतलब रंगा नरेटर के पीछे पीछे चला गया बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना ये कहे कि मैं क्यों जाऊँ, ऑल दैट.
As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." शास्त्री से वो अभी तो मिलके गए थे और बोला था कि मैं कल किसी को लेके आऊंगा, बट शास्त्री ने ओवर एक्टिंग की. आगे आप देखना, शास्त्री के 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के. What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time. Where have you been? You know, एकदम over excited, over acting. मतलब इतनी घटिया acting उन्होंने कर दी उस time पे. But ठीक है, बेचारे narrator को काम चलाना था तो narrator ने बोला चलो ठीक है. Shama is none other than your servant, the narrator of this tale. अगर Shama की बात करें तो वो narrator ही है. I got angry and shouted, "What? Only this morning, Shastri completed my sentence. You finished all your work and now you're free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry." But एक बात माननी पड़ेगी कि शास्त्री जी की एक्टिंग ओवर एक्टिंग थी, बट इतनी भी खराब नहीं थी. मतलब इतना ज्यादा रियल लग रहा था कि श्यामा ने ऑलमोस्ट बोल ही दिया था, बोला व्हाट, अभी तो मिलके गया, अभी यहाँ पे तो पूरा काम पूरी प्लानिंग खराब हो जाती. श्यामा जो कि नरेटर है वो बोल रहे थे अभी तो मिलके, एंड देन इतने में कंप्लीट कर दिया शास्त्री ने, हाँ 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 अभी तुमने अपना काम खत्म कर लिया होगा, इसीलिए तुम यहाँ पे को विजिट करने आए हो, है ना. क्योंकि अगर वो कंप्लीट कर देते कि अभी तो मैं मिलके गया था, तो रत्ना ये रंगा को सब पता चल जाता कि क्या हुआ. आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स, वो डेफिनेटली पूरे प्लान को खराब कर देते. आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स. इसके बाद उन्हें पता चल गया, ओ माई गॉड, मैं झूठ बोलने आया हूँ तो मुझे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. शास्त्री टर्न टू रंगा, "When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us." बोले यार, ये हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब आया, और मैं इसको काफ़ी ऑफन तो देखता नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये बेचारा कभी कभी ही आता है, तो what can I do for him? लाइक मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ. Take out your paraphernalia, that means the pothi that the astrologers have, no? एक पेज होता है, पूरा बुक होता है उनके पास में देखने का, पंचांग उसे बोलते हैं. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? बोला हमारे रंगप्पा को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है उसको? Shall we put your science of astrology to test? क्या आपकी एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट किया जाए? There was authority in my voice as I spoke to Shastri. और वो एकदम authority के जैसे एकदम authoritative tone में बोल रहे थे. He took out 2 sheets of paper, some queries and book of the palmyra leaves, saying, "Ours is an ancient science, Aya. There's a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Hari Katha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell it to you some other time." बोला देखो भाई, यहाँ पे उन्होंने कुछ कौड़ियाँ निकाली, कुछ पेजेस वगैरह निकाले और अपनी वो पूरी पंचांग वगैरह रखी. बोला आया, हमारी स्टोरी, हमारा जो साइंस है काफ़ी पुराना है, पर मैं अभी आपको ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, आप बोर हो जाओगे, मैं कभी और आपको ये चीज़ बताऊँगा. सो अभी नहीं, सम अदर टाइम, ओके. शास्त्री मूव्ड हिज लिप फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन ही आस्क्ड, ही वाज लाइक That Vigo, he was counting on his fingers. What's your star? Ranga didn't know. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. Bula, tumhara star kya hai? Ranga was like, mujhe nahi pata. To bula, koi baat nahi. We'll do something about it. He did some more calculation before saying in a serious tone. Unhone kaafi calculation kiya aur phir ek serious tone mein bola. It's about a girl. I had been controlling my laughter all this while. तुम्हें जो परेशान कर रहा है या तुम्हारी जो परेशानी है वो एक लड़की की परेशानी है. जब शास्त्री ये बोल रहे थे, नरेटर को सब पता था. नरेटर वाज लाइक, आई डोंट वांट टू लाफ. बोला मेरे को नहीं हंसना है इसकी ओवर एक्टिंग पे. बट नाउ आई बर्स्टेड आउट लाफिंग, बट वो रोक नहीं पाए और एकदम से हंसने लगे और उन्होंने रंगा को टर्न किया. एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. तो बोला देखा, मैंने कहा था ना, हंसते हंसते वो बोलते हैं कौन लड़की है. श्यामा ने पूछा.
श्यामा ने बोला कौन लड़की है जरा बताओ तो सही। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शी प्रॉबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। अगर लड़की की बात है तो वो कोई एक ऐसी लड़की है, मतलब उसका नाम कुछ ऐसा है जो कि ओशन में मिलता है, तो शायद कुछ ऐसा जो ओशन में मिलता हो। कमला मे बी, कुड इट बी अ पचीची मॉस, मस्ट बी अ मॉस इफ इट्स नॉट कमला। वाई नॉट अ पर्ल और रत्ना, द प्रेशियस स्टोन रत्ना, द गर्ल इन रामा राव्स हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोसिएशन बेयरिंग बेयरिंग फ्रूट हियर। मतलब ही वाज लाइक कुछ तो ऐसी लड़की जिसका नाम ओशन से रिलेटेड है, कमला, ठीक है, हो सकता है, कुड बी अ पचीची मॉस, ठीक है, कमला नहीं होगा तो पचीची तो 100% ही होगा। अरे पर्ल भी तो हो सकता है, रत्ना, रत्ना, प्रेशियस स्टोन रत्ना, हाँ, अरे रत्ना नाम की एक लड़की है हमारे रमा राव के घर में, और यहाँ पे उनकी नेगोशिएशन को कुछ ना कुछ फल मिल रहा था। Definitely, he said after thinking for some time. There was a surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. अब जैसे ही उन्होंने बोला हाँ, it's about Ratna, it's about Ratna, तो एकदम से Ranga surprise हो गया। Ranga was like, wow, what's happening? Am I getting married to Ratna? और ये face, ये excitement, ये butterflies देख पा रहे थे narrator उनके face पे। But that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. बोला उस लड़की की तो शादी हो गई, और फिर उन्होंने देखा तो बेचारा रंगा वॉज लाइक आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल, आई ओनली टोल्ड यू आवर शास्त्रा इंडिकेटर। बोला मेरे को नहीं पता, शास्त्री शास्त्री की शास्त्री जी की जो एक्टिंग थी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। बोला यार मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कोई और लड़की हो जिसका नाम भी रत्ना हो, बट यही मेरे शास्त्र ने बताया है कि रत्ना नाम की लड़की है। We left the place on the way we passed by Rama Rao's house. और वैसे फिर वो वहाँ से निकल गए और रामा राव के घर के आसपास गए। रत्ना was standing at the door और रत्ना डोर पे ही खड़ी थी। I went in alone and came out a minute later. वो अलग अकेले गए और एक मिनट में वापस आ गए। मतलब जब वो जा रहे थे लाइक शास्त्री जी के वहाँ से निकले तो उन्होंने रामा राव का घर देखा, और रमा राव का घर देख के ही वॉज लाइक कि वहाँ पे रत्ना खड़ी थी, तो उन्होंने बोला यार मैं एक मिनट में आता हूँ। वो एक मिनट अकेले गए और एक मिनट में वापस आ गए। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज इन मैरिड इट सीम्स, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, बट व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। अभी बोला अरे सरप्राइजिंग, इसकी शादी नहीं हुई, बोला इसकी शादी नहीं हुई, मुझे किसी ने उस दिन बोला था कि उसकी शादी हो गई है, बट नहीं, अरे शास्त्री ने जो बताया वो सही निकला। रंगा मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम इतने टाइम से उसके बारे में ही सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। बोला माधवचार्य जी की कसम खाइए और बताइए क्या शास्त्री ने जो बोला सच है, क्या तुम सच में रत्ना को पसंद करते हो। I don't know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There is greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. Ratna ke baare mein Ranga ne finally accept kar liya. Bola haan, Shastra mein to sabse zyada truth hota hi hai. Jo unhone bola wo sahi hai. अभी उसको शर्म आ रही थी, बट इसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। बोला इससे पहले कि उसकी किसी और से शादी हो जाए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग एंड आई सेड। सो अभी यहाँ पे फाइनली सब कुछ सेट हो गया है, सारी चीज़ें चल रही है। अब इवनिंग में शास्त्री वेल पे खड़े थे और वो गए। सो शास्त्री गर्ल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग अ राइज टू एनी सस्पिशन। वॉट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, ही डिडंट लाइक दैट एट ऑल। व्हाट आर यू सेइंग? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says? Bola, kya baat kar rahe ho? Jo tumne mujhe ratwaya tha, uske bina bhi main yahi baat bolta. Maine wahi bola jo Shastra ne bola. Tumne to mujhe do line boli thi, maine char boli kyunki mujhe Shastra ne wo bataya. Aisa koi decent insaan bolta hai? मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं झूठ झूठ नहीं बोलूंगा अभी किसी के लिए। तो बोला मैं कभी भी किसी के लिए ऐसे झूठ नहीं बोलने वाला।
रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. अभी रंगप्पा दूसरे दिन आया और उन्होंने इनवाइट किया उनको डिनर के लिए. व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, और बोला क्या ओकेजन है. इट्स श्यामाज बर्थडे ही सेड. इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा आई सेड. इट्स लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. व्हाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम. What a childish couple you are, Ratna and you. I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now, who is there to help your mother to cook. My sister has come with her. I went there for dinner. Shama rushed to me when I walked in and put his arms around my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. So, abhi Rangappa aate hain. और उन्हें यू नो डिनर के लिए बुलाते हैं. और हमारे श्यामा जो नरेटर है वो पूछते हैं अरे क्यों बुला रहे हो, आज क्या ओकेजन है. तो बताया जाता है कि श्यामा अभी 3 साल के हो गए हैं. बोले अरे यार श्यामा अच्छा नाम नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे एक डार्क पीस ऑफ केक है. इतना गोल्डन चाइल्ड है तुम्हारा, क्यों उसका नाम ये रखा. मैं जानता हूँ कि इंग्लिश में ये कस्टम है कि जिस इंसान को आप प्यार करते हो उसके लिए नाम रखते हो, बट यार तुम लोग कितने चाइल्डिश हो, तुम और रत्ना. रत्ना की शादी हो गई. रत्ना की शादी के बाद उसका एक बेटा था 3 साल का, और उसने उसका नाम श्यामा के नाम पे रखा जो नरेटर है जिन्होंने वो शादी कराई थी. अभी नरेटर एक बहुत अच्छा जेस्चर उनके लिए करते हैं, उन्हें चीक्स पे किस करते हैं और उनकी छोटी सी फिंगर में रिंग भी पहनाते हैं. सो या अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर. आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. यू वर नॉट बोर्ड आई होप. अभी फाइनली नरेटर बोलते हैं कि चलिए अभी मैं चलता हूँ, ये स्टोरी मैंने आपको बता दी, मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगा आपको सर्व करने के लिए. आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे. सो व्हाट डू यू गाइस से, व्हाट डू यू गाइस से अबाउट इट. इट्स अमेजिंग राइट. सो काफ़ी अच्छा स्टोरी था, लाइक किस तरीके से उन्होंने पूरा मैनिपुलेशन किया और बेचारे रंगा की रत्ना से शादी करवाई. सो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, इज़न्ट इट. हाँ जी, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमें लिटरेचर में हमें पढ़नी है. आपको लिटरेचर प्रॉमिस करने का यू नो कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली उसको कंप्लीट तो करना ही है. बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, आप डिटेल में समझना चाहते हो पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो. मेरा कोड है SDC Live, ये चैम्पियंस कोड है, इसे अप्लाई करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप आराम से प्लस पे पढ़ पाओगे हर चीज़ डिटेल में. अगर वीडियो और क्लास पसंद आई हो तो थम्स अप कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अभी मैं चलती हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास वीडियो में. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अवार्ड. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज द इंटायर अन अकेडमी फैमिली कि हम लोगों को हमारा फर्स्ट अवार्ड मिल गया है. So yeah, thank you so much and I really love you guys. Thank you so much for being there and bye-bye. Take care.